बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपकी एक्सरसाइज 9.1 का, यहाँ तक करा चुका हूँ मैं आपको पूरी एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जितने और क्वेश्चन चल रहे हैं आपके वो सारे इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 degrees फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meters अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 degrees। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ जो बोला है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। एक टीवी टावर है, उसको अपन ये खड़ा कर दिया, इसका कोई नाम भी दे रहा है बेटा, बुक में इसका डायग्राम भी हमें हेड कर दिया गया है। ये कोई टीवी टावर है एबी, ये कैनल के मतलब नहर के किनारे पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे से डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, टावर के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है बच्चों, उस पॉइंट से इसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर है 60 degrees, ठीक है। ध्यान देना, कोई पॉइंट है, वो पॉइंट आपका इधर हो सकता है, वो पॉइंट आपका इधर हो, वो कैनल के बैंक के दूसरी तरफ है, एक साइड ये खड़ा है तो उसके दूसरी तरफ वो खड़ा है दूसरा वाला, मानिए वो पॉइंट यहां पर है, और यहां से ये जब इसको देखेगा टॉप को ही देखेगा तो एलिवेशन कितना हो रहा होगा इसका, 60 degrees हो रहा है, 60 degrees हो रहा है, पॉइंट बोल दिया 80। आगे की बात कह रहे हैं, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meters अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट, इस पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट है, फ्रॉम अनदर पॉइंट अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से 20 meters दूर है, 20 meters दूर है, इधर के इधर, इधर नहीं, इधर 20 meters दूर है। अनदर पॉइंट डी 20 meters अवे फ्रॉम सी, 20 meters अवे फ्रॉम सी, इसी से 20 meters दूर है, जान लो आप इस बात को, ये 20 meters है। एलिवेशन इज 30 degrees, किसका, उसी का एलिवेशन इज 30 degrees, एलिवेशन इज 30 degrees, ये 30 degrees होगा, बाकी कुछ नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, चलिए बच्चों हाइट निकाल लिए, एंड विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल वी सी, विड्थ ऑफ कैनल, देखो कैनल का एक किनारा ये हो गया, मान लीजिए एक कैनल है, यहां पर बच्चों खड़ा है एक आपका, मान लीजिए कोई टावर, ठीक है, इधर ही खड़ा होगा, मान लीजिए वो इधर खड़ा हुआ है, दूसरा किनारा उसका इधर हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक यहां किनारे पे खड़ा है, एक यहां किनारे पे खड़ा है, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है। अब ये डिस्टेंस की बात कर रहे थे, क्या होगा इस कैनल की विड्थ हो गई, चौड़ाई हो गई नहर की, यहां से एक पॉइंट था कितना मीटर दूर, 20 meters दूर, मान लीजिए उस किनारे पर ये खड़ा हुआ है तो एलिवेशन ये हो रहा है, एलिवेशन ये हो रहा है, ये 60 और ये 30, तो आपको एक ये निकालना है इसकी विड्थ और एक उस टावर की हाइट निकालना है। क्या इस क्वेश्चन में अब लिखना थ्योरी में, लेट ए बी बी का टावर हाइट एच मीटर एंड बाकी चीजें दी गई है सारे क्वेश्चन में, लेट विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू एक्स मीटर, दैट इज बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। आगे है बच्चों गिवन की कंडीशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री सच दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री ये हो गया। इसके आगे हम जानेंगे बच्चों इस ट्रायंगल में और फिर बड़े वाले ट्रायंगल ये वर्टिकल टावर है जेनिथ ट्रायंगल में। नाउ इनफैक्ट ट्रायंगल ए बी सी ये बेस है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है टेन में होता है टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी ए बी अपॉन बी सी टेन सिक्सटी इक्वल टू एच अपॉन एक्स टेन सिक्सटी रूट थ्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स क्रॉस एच इक्वल टू रूट थ्री एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब जाएंगे बच्चों ए बी डी में इन राइट ट्रायंगल ए बी डी इसमें भी क्या करेंगे देखो 30 के साथ है ये परपेंडिकुलर हो गया ये पूरा बेस हो गया तो बी अपॉन बी 10 लगेगा यहां पर भी tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी tan 30 इक्वल टू ए बी वॉट एच अपॉन बी डी एक्स प्लस 20 tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 एच अपॉन 20 प्लस x क्रॉस रूट थ्री एच बच्चों यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट रूट थ्री एच इक्वल्स टू 20 रूट थ्री और जो h है h की प्लेस पर रूट थ्री एच इक्वल टू 20 प्लस x ये मेरे बच्चों रूट थ्री थ्री एच इक्वल टू 20 प्लस एक्स एक्स यहाँ बुलाया हमने ये हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 20 2x इक्वल टू 20 x इक्वल टू 20 अपॉन 2 तो x इक्वल टू क्या आया बच्चों 10 आया मतलब विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी 10 मीटर हो जाएगी। इसको उठा के फर्स्ट में रख दो एंड वैल्यू ऑफ x put in equation first h equals to root 3x thus height of divid over स्क्वायर रूट 3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू 10 मीटर ये हमारा आंसर है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है फिर लैंग्वेज में आपको घुमाने की कोशिश करेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग आप ठंडे दिमाग से समझ लो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से अपन बिल्डिंग ही बना सकते ये तो मेरे बच्चों बिल्डिंग हो गई ये इसका टॉप हो गया ये इसका बॉटम हो गया फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग आप समझिए हाइट क्या है इसकी इसकी हाइट है 7 मीटर बिल्डिंग हो ये भी इधर बिल्डिंग और हाइट 7 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ टॉप इसका टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग क्या के लिए फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर मतलब एक टावर भी है
इसके टॉप से उसके टॉप का, तो सोचिए बिल्डिंग बड़ी कि टावर बड़ा, तो बोलेंगे टावर बड़ा। क्यों? इसके टॉप पे खड़े होकर ऐसे देखा होगा यहाँ से, तो बच्चों उसका टावर ये बना दिया। और इसका नाम दे दिया सीढ़ी। इसके टॉप से टावर के टॉप का, क्योंकि केवल टावर बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप का एलिवेशन कितना है? एलिवेशन जब भी बनेगा तो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल के साथ बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression, the foot of cable tower is 45 degree. ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। व्यक्ति यही बैठा हुआ है, वो वहां से देख रहे हैं, पर इसके टॉप को 60 डिग्री, इसके बॉटम को तो 45 डिग्री। समझ लो, यहां से वो ऐसे देख रहा है, इधर ऐसे देख रहा है। जब ऐसे देखा तो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल के साथ ऊपर वाला एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल नॉर्मल के साथ नीचे वाला डिप्रेशन, तो जो 45 डिग्री है मैं बढ़ता हूं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। किस फुट? इट्स फुट। सीढ़ी एक केबल टावर है, उसके फुट का डिप्रेशन 45 डिग्री, एलिवेशन 60। कुछ कर रहे हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, बस डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। आप समझ सकते हो ये पूरा टावर है, इसकी हाइट इसको पहले दे दो, और इसकी हाइट चलो ये बेटा इसकी हाइट है, एस्टिमेट हमने मान ली सीडी केबल टावर है। अब इसमें कुछ मैथमेटिक्स की प्रक्रिया है ना, उनको पूरा कर लेते हैं। ये जब 7 मीटर है तो ये भी क्या हो गई 7 मीटर, लेकिन नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे ए बी सी डी, ई बोल दो इसको, ई ई बोल दो। हाँ, अब एक और बात, जो डी ई है ना डी ई, ये भी कुछ बोलना पड़ेगा आपको, और बोलो मत बोलो इतना उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज से फर्क बहुत पड़ने वाला है। ये जो एसी है वो तो एक आपका ये ट्रायंगल हो गया और एक आपका ये ट्रायंगल हो गया, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन आप जानते हो, जब यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बात यहां से कुछ बनेगी और बड़ी आसानी से बन जाएगी। कैसे बताता हूं बच्चों, इसको मैंने एक्स कह दिया, एसी को एक्स बोल दिया। जब ये एसी एक्स है और ये बिल्डिंग भी वर्टिकल होती है, केबल टावर भी वर्टिकल है, तो दोनों पैरेलल होंगे और पैरेलल होंगे परपेंडिकुलर होंगे, तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल रहेगी। ये दोनों पैरेलल हो गए। अब जब ये और ये इसके इक्वल होगी तो फिर समझ लीजिए ये और ये भी पैरेलल होगी, और ये पैरेलल होगी तो ये इसका ट्रांसवर्सल होगा। तो और आगे बढ़ जाइए, ये वाला इसके इक्वल होगा, और आगे बढ़ जाइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल देंगे तो ये 45 और ये भी 45 हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब मैं बढ़ता हूँ, ये जब x है, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, बात को बन गई, ये x, ये x, इसमें जाओ 60 के लिए इसको निकालो, अरे इससे भी निकाल लिया ना हमने, इस ट्रायंगल में जाएंगे x 7 और 45 के साथ निकालेंगे तो ये x 7 ही आएगा। क्यों आएगा? 10:45 का वैल्यू होता है 1 होगा तो x इक्वल टू 7, तो यू 7 हो गया, यू 7 हो गया। अब ये 7 60 और इसके साथ आप ये निकालेंगे, और जब आप इसको निकालेंगे और ये 7 है तो इसको इसको प्लस करेंगे, ये निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात है। चलिए तो फिर आगे डायग्राम बन गया है, अब इसको बना लेते हैं लेट बैट लेट। मैं बोला पहले क्या बनाएंगे, हमने बिल्डिंग लाइन ए बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। आगे बोला एंड
इसके टॉप से उसको देखने पर इसको देखने पर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग अभी नहीं, अभी सीधी टावर भी लेट कर लेते हैं एंड सीधी भी आ केबल टावर सीडी भी आ केबल टावर ठीक है। अब जो बात करूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 degrees एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ इज 45 degrees such that angle DBE angle DBE equal to 60 degrees and angle EBC equal to 45 degrees ये बच्चों 45 है तो ये हमारा 45 है ये इसके पैरेलल आप कह दो कह सकते हो सिंस एसी पैरेलल बीई देयरफॉर एंगल बीसीए बीसीए इक्वल टू एंगल ईबीसी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल बीसीए इक्वल टू 45 ये चीजें बच्चों इसमें दिखानी पड़ती हैं लिखनी पड़ेंगी 45 डिग्री अब लेट करेंगे लेट एसी इक्वल टू एक्स मीटर देखो लेट एसी इक्वल टू एक्स मीटर तो बच्चों एसी इक्वल टू वीडी है तो क्या हो जाएगा वीडी इक्वल टू एक्स मीटर height of cable tower equal to h meter वो लाइक कर दी मैंने ये हो गया हमारा cd equal to h meter दिखा सकते हैं इसको cd equal to h meter ये जो cd है वो h हो गया अब इसको चलाइए बच्चा मैथमेटिकली ये जो है ना इसके इक्वल हो जाएगा तो कितना गया ab equal to cd CE equal to AB चूंकि दोनों वर्टिकल है ये इसके वर्टिकल है तो CE equal to what 7 मीटर ये 7 मीटर हो जाएगा तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमने इसमें कर दी अब बात आती है CE निकाल चलिए बेटे पहले याद लीजिए नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC BAC देखो ये 45 है ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो क्या लगेगा tan theta equal to c upon b equal to ab upon ac tan 45 equals to ab what 7 upon ac x tan 45 1 इसका वैल्यू 1 होता है 7 upon x cross x equal to 7 x 7 आ गया ये भी 7 and In right triangle DEB बच्चों ये 60 है 60 है परपेंडिकुलर ये हो गया बेस ये हो गया फिर से वही tan theta equals to B upon B equals to DE upon VE tan 60
इक्वल टू बी ई, बी ई है और बी ई आपका एक्स है, तो एक्स कितना है 7, 1060 रूट 3 डी ई अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई ये डी ई आपका 7 रूट 3 आ गया। अब क्या हो गया, एच चाहिए ना, इसको और इसको प्लस कर दीजिए पूरी हाइट हो जाएगी। तो इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं एंड हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल्स टू सी डी, दैट इज सी डी इक्वल्स टू व्हाट, सी ई प्लस ई डी, सी डी एच इक्वल्स टू सी ई 7 प्लस ED 7 रूट 3, H इक्वल टू 7 कॉमन 1 प्लस रूट 3, इसको थोड़ा सा सम्मान दे दो, H इक्वल टू 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर, therefore height of cable tower is 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर। अगर क्वेश्चन में वो बोलता हमसे कि इसका रूट 3 यूज करिए 1.732, तो आप रूट 3 की प्लेस में वो रखते हैं, उसमें ये ऐड करते हैं बढ़ को, उसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और वो उसका क्या होता, आंसर होता। तो मेन बात इस क्वेश्चन की सिर्फ इतनी है, आपको फिगर समझना है कि खुद से बनाना है। बिल्डिंग का टॉप बी हो गया, यहाँ से केबल टावर के टॉप को देखने पर 60 डिग्री, उसके बोर्ड को देखने पर 45 डिग्री, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा और ये इसके पैरेलल है तो 45 होते भी 45 हो जाएगा। पहले इसमें जाइए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा, जो 7 हो गया। फिर इसमें कल में जाइए, उसके साथ ये निकालिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आपके टावर की हाइट निकल के आ जाएगी। मैथमेटिकली इसमें जो कैलकुलेशन है वो आपको सही से लिखनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है, 13 एकदम सही, और ये है हमारी तरफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ, सबसे पहला काम एक मेरे बच्चों ये कोई एबी नाम का 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, इसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस टू द सी लेवल, टू द सी लेवल, टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, बच्चों यहां से सी लेवल को देखने पर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप है, एक मान लीजिए बच्चों यहां पर है और एक सिप मेरे बच्चों यहां पर है, एक सिप यहां पर है, एक सिप यहां पर है, एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर, एक सिप के पीछे दूसरा सिप, पहली सिप की पोजीशन सी है, दूसरे सिप की पोजीशन डी है, या पहले सिप की सी है, दूसरे की डी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से जब इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, इस टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान से बताना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहां बनता है, ऊपर बनता है, ये 45 डिग्री है, नॉर्मल के साथ हम ऐसे देखेंगे तो नॉर्मल से नीचे की तरफ गया, ये डिप्रेशन 45, तो आप इसको समझिए ये भी 45 हो जाएगा, वो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ये इसके पैरेलल होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होती दोनों, ये 45 हो गया, ये 45, अब वो कह रहे दूसरे को देखने पर 30 डिग्री है, इसको देखने पर 45 डिग्री है, इसी को देखने पर यहाँ पे कोई सिप है, डी पे कोई सिप है, उसको वहीं से उसको देखने पर 30 डिग्री है, मेरे बच्चों ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, पूरा एंगल 45 है, ये 45 अभी हो गया और ये अंदर का 30 है तो ये भी 30 हो गया, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली,
45 डिग्री पहले तो 45 डिग्री एंड 30 डिग्री लेस 30 डिग्री इधर 45 डिग्री। अब कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू शिफ्ट, एक शिफ्ट की पोजीशन सी और दूसरे शिफ्ट की पोजीशन डी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपन लेफ्ट कर ले एक्स या वाई। बच्चों मैंने राइट कर दिया इसकी डिस्टेंस है एक्स मीटर, क्यों कर दिया इधर भी मीटर है, हाँ ये मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना एक साथ, तो मैंने मीटर ऐड कर दिया। अब देखो बड़ा सरल सरल क्वेश्चन है, ई ए 45 है तो इसके सामने ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस, इससे आप इसको निकाल लोगे लेकिन यहाँ भी लेट कर ही लो क्योंकि हमें ये चाहिए ना, तो उसके लिए पूरी साइड भी चाहिए। अब इसको सी बोल देते हैं यहाँ पे और डी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कुछ लेट करना है इसको, वो क्या सबसे पहला काम ए बी 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ओके इसके टॉप से बच्चों सी लेवल पे दो शिप है उनका डिप्रेशन है 45 और 30 डिग्री, आपका चिल दिमाग चले तो आप उसको यहां पर भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप लिखेंगे एंड लेट सी एंड डी बी द टू पोजिशन बी द पोजिशन ऑफ टू शिप्स, लेट सी एंड डी बी पोजिशंस ऑफ टू शिप्स कहां पर ऑन सी लेवल, ठीक है बच्चों, सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ लाइट हाउस किसके किसके आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। मेरे बच्चों इसको क्या बोल देंगे वी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके जब ये 45 डिग्री ऊपर बन रहा है बेटा 30 डिग्री यहां ऊपर बन रहा है तो आप ये बोल सकते हो देखो ये इसके पैरेलल होगा तो ये एंगल 45 इसका हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और ये जो 30 है वो इसका इक्वल हो गया ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप चाहो तो इसको कोई एक नाम दे सकते हो, ये तो अपन के पास टीडी है इसको नाम दे दो बी टी दे दो बी टी दे दो मेरे है बी टी बी टी ये इसके पैरेलल है आप ओपन करना चाहो कर सकते हो ओके सच दैट एंगल बी सी ए लिखो हम इसको BCA equal to 45 degree because VE parallel AD तो क्या होगा therefore by alternate interior angles angle EVC equal to angle अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ये जो है ओपन कर दो जरूरी नहीं है इसको ऐसे ओपन करना गेम कर दे एंड एंगल बीडीए मेरे बच्चों 30 डिग्री ये क्यों वही सेम बात एंगल ईबीडी इक्वल टू एंगल बीडीए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर बस। अब देखो ये हमें निकालनी है लेट किया सी डी इक्वल टू एक्स मीटर ए सी इक्वल टू वाई मीटर बच्चों लिखेंगे नाउ अब जाना किधर है इधर इन राइट एंगल वी ए सी देखो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो क्या tan theta equal to P upon B equal to AB upon AC tan 45 equal to 75 upon Y 1 इसका वैल्यू 75 upon Y cross
y इक्वल टू 75। बच्चों ये वैल्यू 75 है अभी, एंड अब हमें पूरे ट्रायंगल पे जाना है, ये चाहिए थी हमको, इसलिए बी ए डी को लिखूंगा क्या इन राइट ट्रायंगल। देखो बी ए डी 30 के लिए परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, टेन 30 इक्वल टू ए बी वॉट 75। बच्चों ए डी क्या है, ए डी में क्या है, एक्स प्लस वाई 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है 75, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75 रूट 3, एक्स इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75, एक्स इक्वल टू 75 कॉमन निकालने का रूट 3 माइनस 1 मीटर। मेरे बच्चों फिर से वही बात, रूट 3 का वैल्यू आप 1.732 रखेंगे, उसमें से इसको माइनस करेंगे, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर बिना रूट के आ जाएगा, अदरवाइज आप ये लिख सकते हो तब भी वो सही होगा। यहाँ पे बस मेरे को लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स इज 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर, दिस इज आवर आंसर और एकदम करेक्ट आंसर। ये बेटा केवल डिप्रेशन के एंगल्स में दो आ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है ये बाकी क्वेश्चन की अपेक्षा।